इधर रायपुर में दशहरे का पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। भाटा गांव स्थित रावण भाटा मैदान में भव्य आतिशबाजी के बीच रावण दहन हुआ और सत्य पर सत्य की जीत का पर्व मनाया गया। इस दौरान बतौर अतिथि के रूप में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। बीएसटीवी से ब्रजमोहन अग्रवाल ने खास बातचीत की, सुनवाते हैं। सत्य पर जीत, असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व है। और जब बैलगाड़ी से आप यहाँ पर आया करते थे और आज बतौर सांसद आप पहुँच रहे हैं, कितना परिवर्तन देखते हैं आप? बहुत परिवर्तन है। उस जमाने में रास्ता नहीं होता था, कीचड़ भरा हुआ होता था, पहुंचने में मुश्किलें होती थी। और ये मुझे लगता है कि रायपुर और आसपास के क्षेत्र का सबसे पुराना दशहरा है और बच्चों से लेकर बड़ों तक के प्रति आकर्षण है। और इस दशहरे को ये क्योंकि सबसे पुराना वैभवशाली पुरातन दशहरा है, इससे और वैभवशाली बने इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि इससे सबको प्रेरणा मिले। आप उतने ही उत्साहित लगते हैं सार्वजनिक दशहरा उत्सव पहुँचने हैं तब? निश्चित रूप से ये उत्साह का काम है क्योंकि इसमें लाखों लोग और हमारी नई पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलती है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस सबसे बड़े? ये संदेश यही है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाएं, छत्तीसगढ़ को व्यसन मुक्त बनाएं, छत्तीसगढ़ को सुविधा युक्त बनाएं और छत्तीसगढ़ से जो रावण रूपी बुराइयां हैं उसको दूर करें। सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो विकसित बनाना है, छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में और भी ज्यादा इस दशहरा उत्सव को भव्य बनाना है। इस तरह उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को दशहरे की बधाई दी है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, बीएसटीवी रायपुर।